रेज किए गए थे विदाउट रिसिप्ट ऑफ गुड्स और उसके थ्रू उन्होंने 70 करोड़ का जीएसटी एस टी क्रेडिट लिया था ऑन द बेसिस ऑफ फेक इन्वॉइसिस कमिश्नरेट ने कंपनी के दो ऑफिसर्स को अरेस्ट किया है जिसमें एक है डायरेक्टर ऑफ मिसेस ऑमनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड दूसरा एक प्रोप्राइटरी फॉर्म है मिसेस श्री बीटू मैक्स ट्रेडिंग तो इन दोनों को गवर्नमेंट ने इसके लिए अरेस्ट किया है आई सी आई रिक्वेस्टेड टू सीबीटी फॉर वेवर ऑफ पेनल्टी ऑन फाइलिंग ऑडिट रिपोर्ट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट टिल थर्टी मार्च ट्वेंटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का एक्सटेंड नहीं किया था जो कि ड्यू था ऑन थर्टी फोर्ट दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन अब जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने का डेट है वो है फिफ्टी जैन ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन जा रहे हैं ये ड्यू डेट एक्सटेंड करने के इवन जो आई फाइल करने का ड्यू डेट था ऑन थर्टी दिसंबर उसके डेट भी एक्सटेंड करने के रिकमेंडेशन जा रहे हैं तो आईसीआई ने भी सीबीडीटी को लेटर लिखा है रिक्वेस्ट किया है कि जो एक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने का डेट है वो डेट थर्टी मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक एक्सटेंड कर दे सुप्रीम कोर्ट एग्री टू रिवाइव लिमिटेशन एक्सटेंशन ऑर्डर इन व्यू ऑफ रेजिंग कोविड केसेस हमने ये टेक्सटिन में ही देखा था अर्लियर कि जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन है उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया था सुप्रीम कोर्ट को बिकॉज ऑफ द रेजिंग कोविड केसेस सुप्रीम कोर्ट को जो लिमिटेशन पीरियड है वो वो विद्रॉ करना चाहिए तो जो उनका एप्लीकेशन था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है बेंच ऑफ कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रामना जस्टिस एल नागेश्वर राव एंड जस्टिस सूर्या कांत ये बेंच ने कहा है की आपका जो एप्लीकेशन है ट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन टू रिस्टोर द ऑर्डर एक्सटेंडिंग लिमिटेशन जो केसेस फाइल करने के लिमिटेशन पीरियड होते है वो यहाँ पे रिथेल्ड करेंगे जो की ऑलरेडी ड्यू टू द कोविड सुप्रीम कोर्ट ने ये लिमिटेशन पीरियड को हटाया था तो अभी वापस से बिकॉज ऑफ कोविड केसेस बढ़ रहे है उन्होंने हटाया है ये जो रिक्वेस्ट है वो भी एक्सेप्ट हुआ है बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो ये ऑर्डर को पहले रिव्यू करेंगे उसके बाद आफ्टर एग्जामिनिंग द द डिटेल ऑफ ऑर्डर वो अपलोड करेंगे आईसीआई प्रपोज टू गवर्नमेंट इन अपकमिंग बजट 2023 गवर्नमेंट शुड इंक्रीज पीएफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 2.5 और 5 लाख टू 7.5 लाख इन नॉन टैक्सेबल कैटेगरी बेसिकली इन बजट 21 गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था 2.5 पॉइंट फाइव से ऊपर अगर पीएफ के अंदर कंट्रीब्यूशन होता है तो वो केसेस में जो वो पीएफ पे इंटरेस्ट आएंगे वो टैक्सेबल होगा बट बाद में वो वो 2.5 पॉइंट फाइव का लिमिट था उसको इंक्रीज करके 5 लाख किया गया था वो केसेस में जहाँ पे पी के अंदर इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है मीन्स की उनका ए नहीं होता है तो वो केसेस में लिमिट था कि फाइव लैक्स तक कॉन्ट्रीब्यूशन डाल सकते हैं पी में उससे ज्यादा किया उससे ज्यादा अगर होता है तो उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल होगा तो आईसीआई का रिकमेंडेशन है फॉर बजट ट्वेंटी टू कि ये जो फाइव लैक्स का लिमिट है .5 और 5 का जो है, उसको सेवन पॉइंट फाइव लैक्स पर एनम का कर देना चाहिए मीन्स फिर सेवन पॉइंट फाइव लैक्स तक अगर वो कंट्रीब्यूशन करते हैं पीएफ में तो वो नॉन टैक्सेबल होगा ए टोटल ऑफ वन फिफ्टीन कंपनी फाइल दियर एप्लीकेशंस अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कम्पोनेंट इंडस्ट्री इन इंडिया ये पी एल आई स्कीम टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन में लॉन्च किया गया था ट्वेंटी थर्ड सेबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन को ये पी एल आई स्कीम लॉन्च किया गया था और ये ये एप्लीकेशन ओपन था टिल ट्वेल्व पी एम ऑफ नाइन्थ जैन ट्वेंटी ट्वेंटी वन प्रोडक्शन लिंक्ट स्कीम ये ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के लिए लाए गए थे और इसके जो भी बेनिफिट है वो बेनिफिट Uh, मिलने स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 2022 ट्वेंटी टू ओ द पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स फर्स्ट अप्रैल 2022 से पाँच साल तक ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है उसके बेनिफिट्स जो स्टार्टअप्स हैं उनको मिलेंगे तो टोटल 115 कंपनीज ने एप्लीकेशन किए हैं ये पी स्कीम के अंदर फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्रीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंडक्टेड सर्च इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना बस्टेड एट हंड्रेड करोर अनकाउंटेड कैश इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्च कंडक्ट किया है इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना ये सर्चेस कंडक्ट हुए थे ऑन फिफ्थ जैन 2022 ट्वेंटी टू ऑन थ्री रियल स्टेट डेवलपर्स रियल इस्टेट डेवलपर्स के ऊपर ये सर्च एंड सीजर हुआ था जिसमें कि अभी तक 1.64 करोड़ अनकाउंटेड कैश सीज किए जा चुके हैं और अभी तक आठ करोड़ रूपए का अनकाउंटेड कैश डिटेक्ट हुआ है नेक्स्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आ, केरला में सर्च ऑपरेशन किया है ऑन सेम डे ऑन फिफ्थ जैन 2022 ये दो ग्रुप कंपनी पे सर्च ऑपरेशन हुए थे मोर देन थर्टी फाइव प्रीमाइसिस है जो कीट्राज ये सिटीज में ये 35 फाइव प्रीमाइसिस है जहाँ पे सर्च एंड सीजर्स कंडक्ट किए गए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जिसमे की टू करोड़ अनकाउंटेड कैश अभी तक सीज किया जा चुका है उसमें दो करोड़ अनकाउंटेड कैश अभी तक डिटेक्ट हुआ है कि 200 करोड़ का अनकाउंटेड कैश वहां पे सर्च एंड सीजर में उनको मिला है अभी जो सर्च एंड सीजर है वो अभी इन प्रोसेस है मे तो बी और भी अनकाउंटेड कैश उनके सामने आए आईसीआईसीआई बैंक ने बैंक चार्जेस हाइक कर दिया है फॉर दियर क्रेडिट कार्ड होल्डर्स जो उनके क्रेडिट कार्ड होल्डर्स है उनके लिए उनको अभी मैसेजेस आ रहे हैं जो भी उनके चार्जेस है रिलेटेड टू द क्रेडिट कार्ड वो चार्जेस इंक्रीज होने वाले हैं फ्रॉम टेंथ फैब ट्वेंटी ट्वेंटी डिपोजिट इन जनधन अकाउंट फाइव लैख करोड़ सेवन पॉइंट पहले लॉन्च हुआ जनधन योजना है और ये ओवर फोर्टी फोर पॉइंट टू थ्री करोड़ अकाउंट ओपन हुए है तो ये फोर्टी फोर पॉइंट टू थ्री करोड़ अकाउंट में अभी दिसंबर ट्वेंटी वन तक मोर देन पॉइंट फाइव लाख करोड़ रुपीज डिपोजिट हुए है इन वेक ऑफ थर्ड वेव ऑफ पेंडेमिक डॉक्टर जितेंद्र सिंह सेव बिन एग्जाम मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह उन्होंने कहा है की ड्यू टू दिस पैंड जो प्रेगनेंट वुमेन है और दिव्यांग इम्प्लॉयज है वो ऑफिस अटेंड नहीं करेगे वो एग्जामेड हो गए फ्रॉम अटेंडिंग द ऑफिस बट वो वर्क फ्रॉम होम करेगे उनको घर से काम करना पड़ेगा फिजिकल अटेंडेंस जो सेक्रेटरी लेवल से नीचे के इम्प्लॉयिज है उनके लिए फिफ्टी परसेंट का फिजिकल uh, अटेंडेंस रहेगा इन ऑफिस में और बाकी के जो फिफ्टी परसेंट है वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे ये जो ऑर्डर है वो एप्लीकेबल है टिल थर्टी फर्स्ट जैन ट्वेंटी ट्वेंटी दिस ऑर्डर कैन बी रिवाइज सो थैंक यू फॉर योर टाइम शेयर दिस वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल